वेल गाइस, तो फाइनली अब से एक घंटे के अंदर NJPW का बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम 18 पेपर व्यू शुरू होने वाला है। और आज यहां पर इस पेपर व्यू के ऊपर NJPW एक नया इतिहास बनाने वाली है, क्योंकि आज यहां पर इस पेपर व्यू के ऊपर NJPW उनका पहला ग्लोबल हैवीवेट चैंपियन क्राउन करेगी। गाइज, NJPW की आज रसल किंगडम 18 पेपर व्यू के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के थ्रू अब द बिगेस्ट सुपरस्टार जॉन मॉक्सली, विल ऑस्प्रे और डेविड फिनली होने वाले गए। और आज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर मॉक्सली, फिनली और ऑस्प्रे के बीच में ट्रिपल ट्रेट मैच देखने को मिलेगा। और इस मैच को जो भी रेसलर जीतेगा वो यहां पर NJPW का पहला IWGP ग्लोबल हैवीवेट चैंपियन बनेगा। वेल बात करें अगर मैच की स्टोरी लाइन की, तो गाइस इस मैच के पीछे NJPW की काफी सॉलिड स्टोरी लाइन है, क्योंकि गाइस यहां पर NJPW के ग्लोबल टाइटल से पहले NJPW के अंदर IWGP US एंड UK टाइटल था। और गाइस NJPW कंपनी IWGP और US टाइटल को लेकर विल ऑस्प्रे को चैंपियन बनाया गया था। बट गाइज NJPW के आखिरी पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे के टाइटल को रिटेन करने के बाद जब यहां पर विल ऑस्प्रे जॉन मॉक्सली को चैलेंज करने वाले होते गए, तभी यहां पर डेविड फिनली रिंग के अंदर आके विल ऑस्प्रे और जॉन मॉक्सली दोनों पर अटैक कर देते गए। और इसके बाद डेविड फिनली एक हैमर को लेकर विल ऑस्प्रे के दोनों टाइटल को बर्बाद कर देते गए। और गाइज डेविड फिनली के दोनों टाइटल को तोड़ देने के बाद अब NJPW को ना चाहते हुए भी आज यहां पर टोक्यो डोम के अंदर एक नया टाइटल क्रिएट करना पड़ा है। और गाइज इस टाइटल के लिए आज यहां पर टोक्यो डोम के अंदर डेविड फिनली, मॉक्सली और ऑस्प्रे आमने सामने होने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोक्यो डोम में जॉन मॉक्सली, डेविड फिनली और विल ऑस्प्रे में से कौन बनता है टोक्यो डोम में NJPW का पहला ग्लोबल हैवीवेट चैंपियन। वेल गाइज मुझे लगता है आज पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे और डेविड फिनली में से कोई एक लीप करेगा रसल किंगडम को एज ग्लोबल हैवीवेट चैंपियन। बट गाइज आपको क्या लगता है इन तीनों में ग्लोबल हैवीवेट चैंपियन कौन बनेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।